मामा मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल भूतनी लग रही हो। तुम भी तो जोकर लग रहे हो। तुमसे तो अच्छा ही लग रहा हूँ। भाई तुम दोनों ही अच्छे लग रहे हो। इस तरह हर बात में एक दूसरे से लड़ने ना लग जाया करो। मम्मा मैं नहीं झगड़ती, हमेशा यही शुरू करता है। कमर बेटा देखना कौन आया है। मम्मा ऐसे भी तो कोई काम कह लिया करे। वो भी बहुत सारे काम करती है। अब जाओ जाके दरवाजा खोल कर आओ। खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। खाला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ खाला। ये तुम इतना प्यारा तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? खाला मैं प्यारा लग रहा हूँ ना? हाँ बहुत ज्यादा। वाह भाई, आज तुम दोनों बहन भाई बहुत प्यारे लग रहे हो। कहीं जा रहे हो क्या? आज इनके स्कूल में एक फंक्शन है। नाक में दम कर रखा है दोनों ने। आंटी बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है? मैं लग रही हूँ ना? जी नहीं, तुम्हारे सके बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे करंट लगा हो, और ये शर्ट भी बिल्कुल जोकरों वाली है। तुम अपने आप को भी तो आईने में देखो, कार्टून लग रही हो। ये दोनों इसी तरह लड़ते हैं? बहुत ही ज्यादा, हर चीज में एक दूसरे से तकरार करते रहते हैं। इनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। याद है हम भी तो ऐसे ही किया करते थे। अच्छा तुम दोनों इधर मेरे पास तो आओ। जी खाला। जब हम दोनों बहनें छोटी थीं, तो हम भी ऐसे ही झगड़ा किया करती थीं। जब हम किसी इवेंट पर तैयार होती थीं, तो हमारा भी यही झगड़ा होता था कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, मैं अच्छी लग रही हूँ। और कभी कभी तो बात यहाँ तक पहुँच जाती थी कि हम दोनों पूरा पूरा दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करती थीं। एक बार तो हमने इस झगड़े में आईना ही तोड़ दिया था। तो फिर आपको डांट नहीं पड़ी थी? अम्मी से तो मार पड़ी थी, मगर अब्बू ने हमें अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया कि बेटा शक्लो सूरत में तो सब इंसान ही प्यारे हैं, मगर इंसान की असल खूबसूरती उसकी औसाफ और अखलाक में है। हमारी शक्लो सूरत तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई है, मगर अपने अखलाक को हमने खुद खूबसूरत बनाना है। इसलिए तुम दोनों को इस बात में मुकाबला करने की बजाय कि हम दोनों में से कौन शक्ल व सूरत में ज्यादा खूबसूरत है, इस बात में मुकाबला करना चाहिए कि हम में से अखलाक में कौन ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा अंत हसनत खल्की फहसन खुल्की। तर्जुमा, ए अल्लाह जिस तरह आपने मुझे जाहिरी तौर पर बेहतर सूरत से नवाजा, इसी तरह मेरी सीरत को भी बेहतरीन और हसीन बना दीजिए। हमें अब्बू ने समझाया कि हमें ये दुआ इसीलिए सिखाई गई है कि जब हम आईने में देखें तो खुद को आईने में देखकर हम में गुरूर और तकब्बुर पैदा ना हो, हम खुद को दूसरों से अच्छा और दूसरों को खुद से कमतर ना समझने लगें। तो बच्चों मैं भी आप लोगों को यही समझाऊंगी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी उतना ही अच्छा समझना चाहिए जितना हम खुद को समझते हैं। और जब आईना देखा करें तो ये दुआ भी ज़रूर पढ़ा करें ताकि हमें अच्छे अखलाक के लिए कोशिश करने और दुआ करने का सबक याद रहे। तो अब कौन पहले ये दुआ याद करेगा? जो पहले ये दुआ याद करेगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। मैं करूँगी। नहीं सबसे पहले मैं याद करूँगा। अब दोनों इस बात पर झगड़ने ना लग जाना।